तो गाइस आज हम आ रखे हैं जागेश्वर मंदिर में और आजकल चल रहा है सावन का महीना। तो गाइस सावन के महीने में जागेश्वर मंदिर में लगता है खतरनाक मेला, तो पूरा महीने भर मेला लगता है। तो हम आ रखे इधर आज, तो आपको ले चलते हैं मंदिर में। और गाइस भोलेनाथ के लिए प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो चलते हैं आपको और दिखाते हैं जागेश्वर मंदिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया मस्त हूँ। तो गाइस आज नए दिन के साथ और नई मॉर्निंग के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज कहाँ का ब्लॉग आने वाला है और कहाँ जाने वाला है। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं जागेश्वर मंदिर, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में वहाँ लगता है ज़बरदस्त मेला। तो आज हम उधर जा रहे हैं, तो चलो चलो आपको भी ले चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको आगे। तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ, मैंने कपड़े तो पहन लिए, थोड़ा बाल वाल बनाने हैं, जूते वगैरह पहनने हैं, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ गाइस रोड में, और मैंने स्कूटी भी बाहर निकाल ली है, यहाँ स्कूटी रख दी है। तो गाइस आज का मौसम देखिए गाइस काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, और करीबन अभी मतलब आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस सुबह के 6:30 बजे। तो अभी देखिए सुबह सुबह हो ही रखी है और कैसा सुनहरा मौसम लग रहा है, एकदम मस्त। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं जागेश्वर को, क्योंकि अब थंबनेल में समझ ही गए हो। तो यहाँ से मतलब काफ़ी दूर है, मतलब नहीं भी होगा 40 या 45 किलोमीटर दूर है। तो हम चल रहे हैं और ऊपर से एक भाई आ रहा है, तो चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे वहीं जाके, क्योंकि सावन का मेला लगता है, मेले में उधर बहुत ही अच्छा लगता है, तो काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो चलो चलते हैं, और आप भी गए अल्मोड़ा के नज़दीक हो तो एक बार जागेश्वर ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, और भोलेनाथ के दरबार में जाके। तो चलो चलते आगे और आपको भी ले चलते उधर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। तो गाइस फाइनली हम मतलब ये अल्मोड़ा से मतलब नहीं भी आ गए तो 30 किलोमीटर दूर पहुँच चुके हैं, और यहाँ आकर मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ का हमारे गाड़ी का जो है टायर पंचर हो चुका है, मतलब जो उसका वाल्व होता है वो टूट चुका है। हमने स्कूटी का मतलब देखिए यहाँ खोल के रख दिया है, इसका टायर हो गया यहाँ ख़राब। तो हम तो हवा चेक कर रहे थे, बट टायर इसका वाल्व टूट चुका है, तो अभी यहाँ रिपेयरिंग हो रही है। तो उसके बाद चलेंगे हम आगे को, तो थोड़ी देर यहाँ कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, फिर सही करके फिर चलेंगे आगे को, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो कैसे अभी हमने टायर सही करवा लिया है, तो आप चलते हैं आगे को और आपको आगे जाके मिलेंगे सीधे मंदिर में। तो गैस अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ आ चुके हैं। तो गैस हमारा वहाँ को कुछ मतलब गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने देखा भी नहीं था टायर को, और उसका वाल्व जो है टूटा हुआ था, तो हवा टिक नहीं रही थी गाड़ी में, तो इसके चक्कर में हमने थोड़ा गाड़ी का काम करवाया। तो उसके बाद हमको वहाँ करने में 15-20 मिनट लगे, तो उसके बाद हम आ चुके हैं अभी यहाँ, जो कि आप बोल्ड देख रहे हो, यहाँ से जागेश्वर 7 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर है वृद्ध जागेश्वर। तो गैस यहाँ आके कभी भी आओ तो एक बार नोटिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम जब पहली बार आए थे तो हम चले गए थे इस वाली रोड पे वृद्ध जागेश्वर में, जो कि मतलब 8 किलोमीटर है, वहाँ भी मतलब मंदिर है काफ़ी अच्छा है, देखिए जो कि यहाँ बोर्ड लगा है या ऊपर को ही, तो हम इसी वाले रोड पे चले गए थे। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ से, 7 किलोमीटर और जाना है हमको, फिर वहाँ जाके भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलो चलते हैं, और भोलेनाथ के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो चलते हैं आगे को, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अभी हम जागेश्वर पहुंचने वाले हैं, मतलब 1 किलोमीटर हमको नीचे और जाना है, तो ऊपर से नीचे को रोड है। और देखिए गाइस यहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ कितना अच्छा, अभी तो मैंने हेलमेट पहन रखा है, और फिर ऐसे दृश्य देखते हैं यहाँ का कितना सुनहरा, इतना अच्छा, और पेड़ देखते कितने हम अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम चल रहे नीचे को, और नीचे चल के आपको सीधे मंदिर में दिखाते, चलो चलते आगे को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर, और इधर से देखिए दुकानें सारी लगी है, तो अभी हम चलेंगे नीचे को और मंदिर तक आपको दिखाएंगे पूरा कितनी दुकानें लगी है और क्या क्या है इधर करके। और मौसम की बात करो, मौसम देखिए काफ़ी बादल लगे हैं और काफ़ी मौसम सुनहरा लग रहा है। यहाँ से है मार्केट स्टार्ट, तो हम चलो चलते आगे को और लेके चलते आपको आगे को दिखाते हैं। तो गाइस देखिए अभी हम जा रहे हैं आगे को, और आगे चल के दिखाते हैं आपको, यहाँ को सारी दुकानें लगी है, जो कि इधर प्रोग्राम सिस्टम भी है। अभी हम चल रहे हैं आगे को, तो आपको आगे चल के दिखाएंगे, और तो अभी चलता आगे को।
बागेश्वर कैसा है? बागेश्वर तो यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ेगा आपको। पसा ले जाओ, हेलमेट भी यहीं से मार दूंगा, चले चले गए। आओ बेटा सेफ, सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल। हेलो, हाउ आर यू? साला हमें तो प्यार के दूर साथ जाते वीडियो बनाते हैं। हजार बार बना रखी है। तो गाइस आपने देखा, मार्केट दिखाया हमने, काफ़ी दुकानें लगी है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और आपको मंदिर दिखाते हैं जागेश्वर का। तो चलो चलते आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर के वहाँ, और देखिए यहाँ है मेन एंट्री गेट, तो यहाँ से चलो अंदर को चल लेंगे और दिखाएंगे आपको आगे जाके मंदिर। तो गाइस फाइनली हम नीचे आ चुके हैं मंदिर के, और यहाँ देखिए सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और यहाँ हो रही है पूजा। ये लोग बाहर से आकर इधर पूजा करवाते हैं। तो गाइस मैं नीचे आ चुका और आपको दिखाता हूँ जो मेन मंदिर का गेट है, क्योंकि ऊपर से तो पन्नी लगी है तो उतना दिखाई नहीं देगा मंदिर। और ये है सामने जागेश्वर का मेन गेट है, जहाँ की अंदर है मंदिर। अंदर तो कैमरा अलाउड है नहीं, तो हम आपको बाहर से ही दिखेंगे। और इधर देखिए सारे लोग पूजा वूजा करवाने के लिए आ रखे हैं। कुंडे जहाँ की मतलब पत्तों पर पैसा खाकर मन्नतें पूरी होती है बल, और ये सभी लोग देखिए ऐसे पैसे डाल रहे हैं, और जो अंकल हैं पैसे निकाल रहे हैं। और गाइस देखिए मेले में काफ़ी भीड़ हो रही है ऊपर, और यहाँ मंदिर में भी काफ़ी भीड़ लगी है, तो हम आपको लेके चल रहे अभी आगे। तो आगे चल के और दिखाते हैं आपको यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो चलो चलते हैं आगे, और मंदिर का दर्शन करके आ चुके हैं। और देखिए यहाँ ये मेन गेट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और गैस ये देखिए मंदिर का कुछ इस साइड से। तो गैस आप देख पा रहे हो यहाँ मतलब इतनी भीड़ ज़्यादा लगी है, और यहाँ जो कि ये पन्नियाँ लगी है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, इधर पूजा वगैरह होती है, जो कि आप सामने देख पा रहे हो पूजा हो रही, तो यहाँ सारी पन्नियाँ वगैरह लगा दी गई है, क्योंकि पूजा करते वक्त मतलब बारिश ना हो, और ये सभी यज्ञ वगैरह हो गए। और गाइस देखिए मार्केट की भीड़ अभी ज़्यादा भीड़ होने लगी है, मौसम के कारण काफ़ी कम हो रही थी, और देखिए लोग आते रह गए मार्केट में। और ये है जागेश्वर मंदिर की मार्केट। तो गाइस देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुकी है, और ये बारिश लगी है, अभी स्कूटी भी इतनी भीग चुकी है, और देखिए पूरा रोड गीली हो चुकी है गाइस। और आज फिर बारिश हो गई, हमने जब भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बारिश हो ही जाती है, सुबह से ही मौसम ऐसा हो रखा था, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो अभी हम मंदिर से तो आ चुके हैं, आप जा रहे हैं घर को, जब बारिश कम होगी तो हम निकलेंगे घर को। तो गाइस आपको महादेव के यहाँ जो महादेव का मंदिर है जागेश्वर में कैसा लगा, और प्लीज़ एक महादेव के लिए एक कमेंट और एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर देना। तो अभी चलते हैं घर को, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।